क्या उत्तराखंड में बीजेपी संगठन में सब कुछ ठीक ठाक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के अचानक से देहरादून पहुंचने पर सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। और आपको बता दें कि 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के सूत्रधार पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा थे, जो मंगलवार को अचानक ही देहरादून पहुंचे। हालांकि इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के आवास पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की घंटों तक मीटिंग चली और खबरें चर्चा में रही कि हरक सिंह रावत नाराज चल रहे हैं, कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। पर मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ पहले ब्रेकफास्ट और फिर लंच पर हरक सिंह रावत को बुलाया गया और इसके बाद दोनों नेताओं ने नाराजगी की बात को खारिज कर दिया। वहीं हरक सिंह रावत ने कांग्रेस में शामिल होने की बात से इनकार किया है। सवाल ये कि क्या उत्तराखंड भाजपा में सब ठीक ठाक है? मंगलवार को मदन कौशिक से हरक सिंह रावत की मुलाकात हुई। पहले दोनों ने ब्रेकफास्ट, फिर लंच किया। खबर यहां तक भी आई कि वो वापस कांग्रेस में जा सकते हैं। नाराजगी की बातों का हालांकि बाद में खंडन किया गया। अचानक ही देहरादून पहुंचे पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, तो इन तमाम घटनाक्रमों को एक दूसरे से जोड़कर देखा जा रहा है और सवाल यही खड़ा किया जा रहा है कि क्या हरक सिंह रावत नाराज है और वो ऐसा मन बना रहे थे कि वापस कांग्रेस में चले जाएं। लेकिन फिलहाल नाराजगी की बातों का खंडन दोनों ही तरफ से किया जा रहा है, हरक सिंह रावत भी और भाजपा यानी मदन कौशिक की तरफ से भी। दोनों की ही बातचीत लंच और ब्रेकफास्ट पे हो चुकी है। हालांकि अभी तक तस्वीर स्पष्ट नहीं है कि आगे होने क्या जा रहा है, लेकिन नाराज नहीं है ये बार बार सफाई पेश की जा रही है। और पंकज राणा इस पर नजर बनाए हुए हैं। पंकज, इन सारे घटनाक्रमों को आपस में जोड़ दिया जाए तो अंदर खाने आखिर चल क्या रहा है? हरक सिंह रावत का मूड क्या है? देखिए, हरक सिंह रावत का मूड क्या है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही जगह से उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। हरक सिंह रावत की हरीश रावत के साथ नजदीकी अभी यही इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह से भाजपा संगठन के लोग हरक सिंह रावत को मनाने में जुटे हुए हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि हरक सिंह रावत अभी स्थिर रहेंगे, क्योंकि संगठन के जो अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, उन्होंने उनसे कल बातचीत की है। लेकिन इसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि संगठन के अध्यक्ष मदन कौशिक ने भाजपा के पूरन सिंह फर्तियाल और मंत्री हरक सिंह रावत को, दोनों में जो बयानबाजी हुई थी दोनों नेताओं में, उसके बाद उन्हें बुलाया था। उनको ये कहा गया है कि आप इस तरह की बयानबाजी ना करें, क्योंकि चुनाव करीब है और चुनाव के दौरान मंत्री और विधायकों के बीच इस तरह की खटास होगी तो निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। ये चीजें हैं। लेकिन इन्हीं तमाम चीजों के बीच विजय बहुगुणा का उत्तराखंड आना और सक्रिय हो जाना, ये कई तरह के इशारे कर रहा है, क्योंकि विजय बहुगुणा वही पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वही नेता हैं जो 2016 में बागियों को कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में लेके आए थे, उसके सूत्रधार भी माने जाते हैं। और एकदम सक्रिय हो जाना उनका इस तमाम घटनाक्रम के बीच कई तरह से इशारे कर रहा है कि या तो वो फिर को मनाने आए हैं या फिर उनकी क्या नाराजगी है ये बातचीत करने आए हैं, क्योंकि उमेश शर्मा काऊ विजय बहुगुणा के सबसे करीबी माने जाते हैं, हरक सिंह रावत भी उनके करीबी माने जाते हैं, तो इनकी दोनों नेताओं की नाराजगी रही है। उमेश शर्मा काऊ दिल्ली पहुंचे थे और कई तरह की नाराजगी उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कही थी। विजय बहुगुणा पिछले लगभग 2 साल से अनसक्रिय हैं, वो किसी भी तरह से पार्टी कार्यक्रमों में नजर नहीं आए हैं। उत्तराखंड में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं भाजपा के, उसमें नजर नहीं आए। आपदा में तमाम लोग यहां पर बीजेपी में शामिल हुए थे, सूत्रधार थे उस वक्त विजय बहुगुणा, और इसीलिए एक बार फिर से वो नेतृत्व करें क्योंकि नाराजगी इन तमाम नेताओं की सामने आ रही है। और ये कांग्रेस भी दावा कर रही है लगातार कि कुछ बड़े नेता बीजेपी के उनके संपर्क में हैं और इसी वजह से ये रणनीति हमें दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए।